ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड मार्केट के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले से निवेशकों के पास एक बार फिर एक बड़ा मौका होगा बढ़िया कमाई करने का। तो वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है म्यूचुअल फंड्स में, आईएएस रिपोर्ट में आपको ये सब कुछ हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। दरअसल हुआ ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री होने जा रही है। सेबी ने जियो और ब्लैक रॉक को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री की मंजूरी दे दी है। मार्केट रेगुलेटर ने 3 अक्टूबर को यह मंजूरी दी और माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी की कंपनी के एंट्री से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंपटीशन और बढ़ जाएगा और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। फिलहाल की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड के पास लगभग 66 लाख करोड़ रुपए के असेट है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सेबी ने 3 अक्टूबर 2024 को लेटर के जरिए कंपनी और ब्लैकरॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेशन को को-स्पॉन्सर्स के रूप में काम करने और प्रस्तावित म्यूचुअल फंड लाने की मंजूरी दे दी है। अब अंतिम मंजूरी सेबी तब देगा जब जियो फाइनेंशियल और ब्लैकरॉक लेटर में बताई गई शर्तों को पूरा कर लेंगे। दोनों कंपनियों ने जुलाई 2023 में एक दूसरे से हाथ मिलाया था और उन्होंने अक्टूबर 2023 में सेबी के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था। दोनों कंपनियों ने ऐलान किया था कि वो करीब $30 करोड़ एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में लगाएंगे। दोनों कंपनियां $15-15 करोड़ ज्वाइंट वेंचर में लगाएंगी। ब्लैकरॉक का कहना है कि कंपनी का प्लान भारत में सस्ते और टिकाऊ निवेश विकल्प उपलब्ध कराने का है। कंपनी की इंटरनेशनल प्रमुख रशेल लॉर्ड ने कहा, हम भारत के लाखों लोगों को सस्ती और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन देने के अवसर को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ हमारी साझेदारी के जरिए हम भारत को सेवर्स नेशन से इन्वेस्टर्स नेशन में बदलना चाहते हैं। निवेश के माध्यम से लोग तेजी से अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन को स्पीड अप किया जा सकता है। तो ये सब कुछ ब्लैकरॉक की तरफ से कहा गया। अब आपको ये भी बताते चलें कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ग्राहकों को कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। पहले ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी थी, लेकिन अगस्त 2023 में इसमें स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट करा लिया था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडियरी जियो फाइनेंस के पास RBI से NBFC लाइसेंस है। इसकी एक और सब्सिडियरी है जियो पेमेंट्स बैंक। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को NBFC से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी CIC में बदलने के लिए RBI से मंजूरी भी मिल गई है। अब माना जा रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के को स्पॉन्सर के तौर पर एंट्री करने से निवेशकों के लिए तो निवेश का एक और ऑप्शन खुलेगा ही, लेकिन पहले से मौजूद म्यूचुअल फंड्स की रातों रात नींद उड़ सकती है। अब जियो और ब्लैकरॉक का फंड म्यूचुअल फंड मार्केट में कितना कंपटीशन बढ़ाएगा, कितना तहलका मचाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जाते जाते एक जरूरी बात सुनते जाइए कि ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में या किसी भी फंड में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ ही करें। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।